बहुत कुछ बताऊंगा, अभी वक्त नहीं आया। तो किस वक्त का इंतजार शिवपाल सिंह यादव कर रहे हैं? शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के फाउंडर लीडर्स में से हैं। वो कभी मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा का जिम्मा भी उठाते थे, कभी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्टी को मजबूत किया था, कभी कैबिनेट मंत्री रहते हुए कई सारे प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी निभाई थी और सरकार को मजबूत स्तंभ होने का दावा भी पेश किया था। तो ऐसा क्या हुआ कि आखिर शिवपाल सिंह यादव अब इतने समस्याओं में घिरे हुए हैं कि समाजवादी पार्टी उनकी कोई भी बात नहीं सुनने को तैयार है? उनके खुद के भतीजे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें बुलाने को तैयार नहीं है, उनसे चर्चा विचार विमर्श करने को तैयार नहीं है। क्या हुआ ऐसा? 6 साल के लंबे इंतजार के बाद शिवपाल सिंह यादव को पार्टी में शामिल कराया गया था। वो चुनाव लड़े थे, जीते भी थे और लग रहा था समाजवादी पार्टी और प्रसपा के कार्यकर्ताओं को कि अब उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर हो गया है, एक बार फिर से परिवार एक हो गया है, कार्यकर्ता एक हो गए और मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ाई लड़ी भी गई, हालांकि सत्ता नहीं मिली, लेकिन विपक्ष में मजबूत स्थापित करने का जो बीड़ा था वो जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन, जो सपा का गठबंधन था, उसे दिया, जिसमें शिवपाल सिंह यादव भी शामिल थे, उनकी पार्टी भी शामिल थी। शिवपाल सिंह यादव सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तो वो भी एक मजबूत विधायक के रूप में, मजबूत नेता के रूप में विधानसभा में जनता की आवाज उठाने के लिए चुने गए थे। लेकिन उसके बावजूद अब कुछ ऐसे समीकरण बनते जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शिवपाल सिंह यादव की अनदेखी लगातार समाजवादी पार्टी में हो रही है। बताया जा रहा है कि अभी 2 से 3 दिन पहले जब शिवपाल सिंह यादव दिल्ली में थे तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है, ये खबरें निकलकर सामने आ रही। कुछ राजनीतिक गुरु भी इस बात को कह रहे हैं कि अमित शाह से उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई है, काफी चर्चाएं हुई हैं और कुछ ऐसा भी चल रहा है जो बहुत से लोगों ने सोचा नहीं होगा। ये भी बताया जा रहा है कि जब दिल्ली से लौट करके शिवपाल सिंह यादव लखनऊ आने वाले थे तो उस दौरान समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ एक बैठक होनी थी, क्योंकि पहले 26 मार्च को सपा से जो जीते हुए विधायक थे उनको बुलाया गया था और उन्हीं विधायकों में से एक विधायक शिवपाल सिंह यादव भी थे, लेकिन उन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया था, निमंत्रण नहीं दिया गया था, न्योता नहीं दिया गया था। सवाल पूछने पर प्रदेश अध्यक्ष सपा के, उनका ये कहना था कि शिवपाल सिंह यादव अपनी एक अलग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब गठबंधन की बैठक होगी तो उन्हें बुलाया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब शिवपाल सिंह यादव साइकिल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे तो वो गठबंधन के प्रत्याशी कैसे हो सकते हैं? दूसरी चीज, जब उस बैठक में शिवपाल सिंह यादव को नहीं बुलाया गया और ये कहा गया कि जब गठबंधन की बैठक होगी तब हम शिवपाल सिंह यादव जी को बुलाएंगे, उसके कुछ दिन बाद गठबंधन की बैठक हुई, एक पत्र जारी किया गया जिसमें शिवपाल सिंह यादव का नाम था और यह कहा गया था कि गठबंधन की बैठक है, गठबंधन के जीते हुए प्रत्याशियों की बैठक है, आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है, आप आइए उस बैठक में शामिल होइए। लेकिन शिवपाल सिंह यादव दिल्ली में रहे और वो उस बैठक में शामिल नहीं हुए। साफ तौर पर शिवपाल सिंह यादव काफी नाराज इस बार दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जब वो लखनऊ आए तो कल उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। 20 मिनट तक ये मुलाकात चली है। मुलाकात में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बताया जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव ने इसे सिर्फ औपचारिक मुलाकात बताई है। ये कहा है कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देने गया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद लगातार शिवपाल सिंह यादव इस बात को भी कहते आ रहे हैं कि वक्त आने पर मैं बहुत कुछ करने वाला हूं, बहुत कुछ बताने वाला हूं, समय का इंतजार करिए। तो आखिर ये समय का पहिया किस ओर करवट लेने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी में विपक्ष कि कुर्सी से एक बड़ा नेता खिसक सकता है, या बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है? इसके अलावा खबरें निकलकर ये भी सामने आ रही है, इसमें कितनी पुष्टि है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि बीजेपी के रास्ते से राज्यसभा जाने की तैयारी भी कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव की चल रही है। और आजमगढ़ की सीट पर अगर डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होती हैं, क्योंकि वो सीट अखिलेश यादव ने छोड़ दी है, तो वहां से आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मतलब डिंपल यादव के सामने उनके चचिया ससुर के लड़के, उनके खुद के देवर प्रत्याशी के रूप में सामने होंगे। लड़ाई काफी अहम होगी, यादव कुनबा आमने सामने हो सकता है, अगर ये सारी अटकलें सही हुई तो। फिलहाल ये सिर्फ अटकलें हैं,
ये कितनी सच्चाई है इसमें अभी नहीं कहा जा सकता, ये तो समय बताएगा, जैसे शिवपाल सिंह यादव खुद कह रहे हैं कि समय बताएगा। तो समय किस करवट बैठता है, क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, ये पता चलेगा। और एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही कि अगर शिवपाल सिंह यादव बीजेपी में शामिल होकर राज्यसभा जाते हैं तो जसवंत नगर की सीट से भी आदित्य यादव अपना नाम भर सकते हैं, वहां से विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं। किस पार्टी के तले? शायद बीजेपी के तले, ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है देखना अहम होगा। लेकिन लगातार शिवपाल सिंह यादव की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि समय आने पर बहुत कुछ करूंगा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो बिखरा बिखरा हुआ नजर आ रहा है, और इस गठबंधन को एक बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दी थी, लेकिन उस गठबंधन की जो गांठें हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। और इससे जो उत्तर प्रदेश की जनता है, जिन्होंने उन्हें एक वोट दिया था, मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में काबिज कराया था, वो कहीं ना कहीं काफी कुछ छला हुआ खुद को महसूस कर रही है। फिलहाल शिवपाल सिंह यादव का बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। बोली नहीं सकते, जब बोलेंगे तब आपको बुला लेंगे। इसका खंडन तो नहीं कर रहे? खंडन भी कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलना है। दिल्ली में क्या अमित शाह से मुलाकात हुई थी आपकी? करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, क्या ये सही समय समाजवादी पार्टी को दिया जा रहा है नेताजी? के पास समय है अभी भी चेत जाए, वरना बड़ा डेंट है, इसकी तो कोई भरपाई नहीं हो सकती। अभी तक तो बहुत छोटे छोटे लोग जो है इधर उधर हुए, कुछ नहीं अभी हम कुछ बता ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। जब बोलेंगे तब आपको बुला लेंगे। इसका खंडन तो नहीं कर रहे? खंडन भी कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलना है। सर दिल्ली में क्या अमित शाह से मुलाकात हुई थी आपकी? करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, क्यों मैं ऐसी बात? क्या ये सही समय समाजवादी पार्टी को दिया जा रहा है नेताजी? के पास समय है अभी भी चेत जाए, वरना बड़ा डेंट है, इसकी तो कोई भरपाई नहीं हो सकती। अभी तक तो बहुत छोटे छोटे लोग जो है इधर उधर हुए, कुछ नहीं। बहुत ही अहम मुद्दा है आज उत्तर प्रदेश के विपक्ष से जुड़ा हुआ और सरकार से जुड़ा हुआ भी, क्योंकि सरकार भी इसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्ट दिखा रही है और विपक्ष लगातार बिखरा बिखरा महसूस कर रहा है, क्योंकि 6 साल के लंबे अंतराल के बाद विपक्षी दल इतने मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव और समाजवादी पार्टी एक साथ हुई थी। लेकिन जिस तरह से आपसी लड़ाई, आपसी खींचतान और बात ना मानने की जो परंपरा 6 साल पहले या 6 साल के दौरान चली थी, वही एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। और इसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, उनका गठबंधन को वोट देने वाली जनता भुगत रही है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या नतीजे निकल के आएंगे, समय क्या बताएगा? शिवपाल सिंह यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि समय पर आने पर बहुत कुछ बोलूंगा। समय किस तरफ जा रहा है ये देखना अहम है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर रणनीति क्या है और किस तरह उत्तर प्रदेश की आगे की जो भागदौड़ है वो विपक्षी दल उसको चलाने वाले हैं, कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी, क्या रणनीति तय की गई है। लेकिन जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव के इस बार के तेवर हैं, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ बदलाव की तैयारी है। विपक्षी आपस में बट रहे हैं और उसका जो पूरा का पूरा फायदा है वो कहीं ना कहीं मौजूदा सत्ता दल को मिलने वाला है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। डिबेट को आपसे थोड़ी देर में शुरू करता हूं मैं, मेहमानों को जोड़ने के बाद, और हमारे जो मेहमान हैं वो लगभग सभी जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामनिवास जी बीजेपी से हैं, आपका स्वागत है रामनिवास जी। मैसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, डीपी यादव हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं, हुमायूं चौधरी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ शिवशरण जी जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मीसम भाई आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों को एक अहम जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश चुनाव में दी गई थी विपक्ष के रूप में, और काफ़ी कुछ बेहतर भी था पिछले चुनावों के मुकाबले, चाहे वो वोटिंग परसेंटेज की बात हो या फिर आपकी सीटों की बात हो। और उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव ने भी निभाई थी, तभी आप लोग कहीं ना कहीं 125 सीटों तक पहुंच पाए हैं। लेकिन अब आपसी खींचतान, नाराज़गी,
बात ना सुनना, बात ने मानने की जो बात पिछले 6 साल से चल रही थी, एक बार फिर से उसी बात ने आप लोगों के बीच में जगह बना ली और शिवपाल सिंह यादव काफी नाराज चल रहे हैं। क्या मामला है, क्या आगे की रणनीति है, क्या तय किया है आप लोगों ने? धन्यवाद जी, मैं आपके ही माध्यम से न्यूज देख रहा हूँ। शिवपाल जी की नाराजगी वाली बात, हमें जिसलिए जनता ने चुना है विपक्ष में भेज करके, उसका तो हम दायित्व का निर्वहन कर ही रहे हैं। और रही बात खींचातान की, तो हमारी सरकार तो नहीं बन गई है कि जो किसी मंत्रालय को लेकर के कोई खींचातान मची हो, या हमने शिवपाल जी का कोई खत छोटा कर दिया हो। और उन्होंने भी ये कहा था कि जो जिम्मेदारी हमको दी जाएगी उसका हम निर्वहन करेंगे। अब जिम्मेदारी तो कोई खास ऐसी बची नहीं जो उनको दी जाए, और सरकार भी आप देख रहे हैं कि हमारी जो है वो विपक्ष में आकर के बैठी है, जनता की सेवा भाव से बैठी है। जनता ने नैतिक जिम्मेदारी हमको दी है, उसका हम पालन करेंगे, और वो शिवपाल जी को भी वही करना चाहिए। अब रही बात मीटिंग में बुलाने की और ना बुलाने की, तो ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। और रही बात मीटिंग में बुलाने की, कि जब और दलों को जो हमारे साथ जुड़े हुए थे हमने उनको बुलाया, दूसरे दिन मीटिंग करी, शिवपाल जी को भी लेटर गया, पल्लवी जी को भी गया, बट उन्होंने कहीं दिल्ली जाने की वजह से उस प्रोग्राम को निरस्त कर दिया। हालांकि इस वजह से, ताकि यही चर्चा का विषय ना रहे और कोई इस विपक्ष और पक्ष किसी चीज़ का फायदा मत उठाए इस बात का, हमने दोबारा उनके लिए इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें भी वो नहीं आए। क्या कारण रहे थे ये शिवपाल जी खुद बताएंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि शिवपाल जी नाराज हैं किसी चीज को लेकर के? नहीं नहीं, मुझे हमें तो नहीं लगता कि कोई नाराजगी का ऐसा कोई विषय है कि जिसमें नाराज होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हम विपक्ष में बैठे जनता की सेवा भाव से और सेवा करने के लिए, शिवपाल जी भी वही करेंगे हमारे साथ आकर के, और उनको भी वही करना चाहिए, इसी बात का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी को देश की सेवा करने के लिए देश ने चुना, उनको पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार कमान संभालने का मौका मिला, तो हम चाहते हैं कि सरकार इधर उधर मुद्दे से ना भटक करके और जनता के हित में कार्य हो, लिहाजा हम इसको मजबूती से सदन में रखेंगे और इसकी आवाज उठाएंगे जनता के बीच में। ठीक है, डीपी यादव हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं। डीपी भाई बहुत स्वागत है, सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, क्या नाराजगी है, क्या कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि लगातार खबरें चल रही हैं, लगातार लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आपसी कुछ मनमुटाव फिर से हो गया है और उसी वजह से शिवपाल सिंह यादव कोई और रास्ता तलाश रहे हैं, ऐसा लगातार चर्चाओं जो हैं इस पर काफी गर्म हो रखी हैं। राजनीति के एक ऐसे चेहरे हैं कि जो जिनको लगभग 4 दशक का राजनीतिक अनुभव है, वो लगातार 6वीं बार विधायक चुने गए हैं, और उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक मतों से जीत कर आने वाले लोग हैं उनमें से वो एक हैं। करीब 90,000 से ऊपर उन्होंने लीड ली थी, जो है भारतीय जनता पार्टी को हराया था उन्होंने। और आपको मैं आपको एक बात बता दूं, उन्होंने हमेशा से उत्तर प्रदेश के बेहतरी के लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश के जो सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है उसको किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि 29 और 28 तारीख को जो विधानसभा में शपथ ग्रहण था विधायकों का, बाहर होने के कारण वो नहीं शपथ ले पाए थे। तो कल जब वो लखनऊ आए हैं तो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी से मुलाकात की, उनके नेतृत्व में शपथ ग्रहण किया, और उसके बाद जो एक औपचारिक मुलाकात है, क्योंकि 30 तारीख को जब संयुक्त सदन को जब मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे, विधायकों को संबोधित कर रहे थे, तो उनमें वो नहीं उपस्थित थे, तो इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात किया। और उत्तर प्रदेश के किस प्रकार से एक उत्तम प्रदेश बनाया जाए, क्योंकि इनको राजनीतिक अनुभव ज्यादा है, इन्होंने कई विभागों का जो कई मंत्रालय रहे हैं उनमें काम काज किया हो, चाहे वो सिंचाई विभाग रहा हो, चाहे लोक निर्माण विभाग रहा हो, चाहे राजस्व विभाग रहा हो, सहकारिता विभाग रहा हो, तो उन्होंने अपना जो है एक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को सलाह भी दिया है कि किस प्रकार से काम किया जाए उत्तर प्रदेश में। अच्छा। और उत्तर प्रदेश को कैसे एक बेहतर रास्ते पर ले जाया जाए, ठीक है, तो उसका भी लाभ मिलेगा सरकार को। और सरकार को चाहिए कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी से, उनके विचारों से, उनके जो अनुभव है, सरकार उससे किस प्रकार लाभ ले सकती है, कैसे वहां पर। अब देखिए, जैसे मैं राजस्व विभाग की बात बताऊं, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने जब वो राजस्व मंत्री थे तो राजस्व संहिता लागू किया था उन्होंने उत्तर प्रदेश में। अगर वो ढंग से लागू हो जाए उत्तर प्रदेश में, जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जो ग्रामीण स्तर के झगड़े होते हैं लोगों को लेकर के, कहीं ना कहीं थाने पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को निजात मिलेगी। ठीक है,
अच्छा ये बात कहां से निकलकर सामने आ रही है कि वो दिल्ली गए थे तो दिल्ली में उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी, और फिर ये भी पता चल रहा है कि कुछ राज्यसभा वाला मामला भी चल रहा है, क्या ये सब बातें सच हैं या सिर्फ और सिर्फ अटकलें हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पर चर्चा ही हो रही है? जी जी जी, आप देखिए नितिन जी, आप भी एक जमीन से जुड़े हुए बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं राजनीति में किस प्रकार से अटकलें लगाई जाती हैं, किस प्रकार से कयास लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको हवा दी जाती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप देखिए जैसे पत्रकारों ने उनसे पूछा भी, तो जो आप देखेंगे उसकी वीडियो क्लिप देखेंगे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से जवाब दिया है, और इससे सब क्लियर हो जाता है कि कहीं किसी से कोई मुलाकात, वो क्यों मुलाकात करेंगे बताइए। वो उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा जो अब विपक्ष में जो चुना गया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो संघर्ष करें, और आने वाले जो चुनाव है, चाहे 2024 का विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो, चाहे 2027 का विधानसभा का चुनाव हो, उसमें किस प्रकार से विकल्प बने भारतीय जनता पार्टी का लोग, उसके लिए वो कहीं ना कहीं संघर्ष करने के लिए तैयार है आदरणीय सिंह। ठीक है डीबी भाई, मैं आता हूँ आपके पास। रामनिवास यादव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। रामनिवास जी, ये क्या चल रहा है विपक्ष में? कहीं पे ये बताया जा रहा था कि विपक्षी आप लोगों के लिए काफी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी निकल कर सामने आ रही कि विपक्ष आपस में ही अपने संतुलन को नहीं बना पा रहा है, और ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि आप लोगों से कुछ बातचीत चल रही है शिवपाल जी की, आप लोगों का क्या इंटरेस्ट है शिवपाल जी को लेने में? नहीं नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में अगर कोई निर्णय होता है तो नेतृत्व तुम्हारा करता है, और जो ये गठबंधन इकट्ठा हुआ था ये सत्ता के लिए इकट्ठा हुआ था। आज सत्ता जब नहीं मिली, और हमको तो अच्छी तरह याद है जब पिछली बार शिवपाल जी अलग लड़े थे तो समाजवादी पार्टी की सीटें 50 से भी कम हो गई थी, इस बार सब लोग मिलकर लड़े 111 सीटें हुई, तो निश्चित रूप से शिवपाल जी का एक बड़ा कद है और उत्तर प्रदेश में, और उनकी अपनी विचारधारा रहती है। जैसे समाजवादी पार्टी में भी दो तरह की विचारधारा रहती है, एक राष्ट्रवादी विचारधारा, एक अलगाववादी और भ्रष्टाचारी विचारधारा रहती है। आप देखे होंगे कि अखिलेश यादव जी के चारों तरफ कौन से लोग हैं, जो जमीनों काम करते प्रॉपर्टी डीलर और भ्रष्टाचारी लोग हैं। उनकी अगर संपत्ति को जांच करा दी जाए तो हजार करोड़ से कम किसी नहीं होगी, किसी नेता का नाम ले लीजिए उनके आगे पीछे चलता हो, तो ये एक विचारधारा को अंतर है। इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि शिवपाल जी चले जरूर गए समाजवादी पार्टी में, भाई इतना ज्यादा अखिलेश जी ने अपमान किया, उनके लोगों ने अपमान किया, आपने देखा होगा एक हफ्ते तक उनके आवास के बाहर जिस तरह बवाल हुआ था, जिस तरह शिवपाल जी के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी उनके लोग करे, तो कहीं ना कहीं शिवपाल जी आहत थे। इसीलिए समाजवादी पार्टी जिसकी 222 सीटें थी और वो 50 से नीचे आ गई, तो कहीं ना कहीं क्योंकि नेताजी की उम्र हो गई और नेताजी ने और शिवपाल जी ने मिलकर इस पार्टी खड़ा किया था, तो उनको ही पीड़ा होती होगी कि जो है जिस पार्टी को हमने खड़ा किया उस पार्टी को ही अखिलेश जी खत्म करने पर तुले हैं, और यही कारण है कि उनको पीड़ा है। इसीलिए मतलब आप मानते हैं कि अंदर कुछ चल रहा है लेकिन सपा और प्रसपा उस चीज को छुपाने में लगे हुए हैं? नहीं, ये तो निश्चित रूप से सबने देखा, सार्वजनिक रूप से देखा कि किस प्रकार से शिवपाल जी को अपमानित करने का काम किया गया अखिलेश जी के द्वारा, क्योंकि अखिलेश जी को घमंड है, और घमंड इसलिए है कि समाजवादी पार्टी में उससे बड़ा कोई नेता नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर शिवपाल जी और अखिलेश जी खड़े हों तो उत्तर प्रदेश का 50-60% यादव समाज जो राष्ट्रवादी है वो शिवपाल जी के साथ रहेगा, अखिलेश जी को छोड़ देगा। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि उनकी सीटें पिछली बार जब अखिलेश शिवपाल जी अलग रहे तो 50 से कम हो गई, जब आज जुड़ गए तो उनकी सीटें 111 हो गई, तो कहीं ना कहीं यादव समाज में भी बिखराव हो रहा है और वहां भी मंथन चल रहा है कि हम राष्ट्रवादी, भाई भारत के साथ रहना है, उत्तर प्रदेश के जनता के साथ रहना है, सबके साथ रहना है, सरकार के साथ रहना है, और जो भी सरकार अच्छा काम कर रही है उन योजनाओं का लाभ लेना है, तो वहां भी दो विचारधाराओं का अंतर्द्वंद चल रहा है, एक राष्ट्रवादी विचारधारा, एक अलगाववादी और भ्रष्टाचारवादी विचारधारा, तो उसी विचारधारा की वो लड़ाई है। और देखिए अभी तो शिवपाल जी नाराज हैं अखिलेश जी से, अभी आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश जी भी कई बार बयानबाजी कर चुके हैं, जयंत जी क्योंकि सत्ता के लिए सब लोग जुड़े थे, मतलब आप सब सत्ता ले जाएंगे। नहीं मिली तो सब लोग अपने अपने रास्ते खोज रहे हैं, और हमको लगता है, मैं तो स्वागत करना चाहता हूं कि जो भी उत्तर प्रदेश के भले, उत्तर प्रदेश के हित के लिए और खासकर पिछड़े समाज के और यादव समाज के हित के लिए, ये अच्छा होगा कि जितनी जल्दी समाजवादी पार्टी को समाप्त कर और जो भी उसमें जो जो विचारधारा का है उसको इस विचारधारा में रहने
देने का अवसर दिया जाए। इसी में समाजवादी पार्टी के साथ साथ यादव समाज का और उत्तर प्रदेश का भला है। ठीक है, मैं आता हूँ फिर आपके पास। शिवशरण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शिवशरण जी, उत्तर प्रदेश में विपक्ष को काफ़ी कुछ इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ अंदरूनी लड़ाई के जो सुगबुगाहट है वो निकल कर सामने आ रही है, और इसका खामियाजा जो है उस जनता को पड़ेगा जिसने विपक्ष को चुना था इतनी मजबूती से। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं, किन इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, राजनीति सम्मान और सेवा के लिए की जाती है जी। और ये काम करते करते मुलायम सिंह के नेतृत्व में शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को सींचा और उसको बड़ा किया, और जब उनका सम्मान घटने लगा अखिलेश सरकार के लास्ट मोमेंट में, जो आपने पहले भी बताया कि क्या हालात थे, क्या रहा चचा भतीजे में कैसा रहा, और उनके सलाहकार, वो सलाहकार आज भी नहीं, अखिलेश जी के जो सलाहकार उस समय थे वही सलाहकार की टीम आज भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, कोई किसी को साइड में नहीं किया गया है, किसी नए व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है। वो कितने अनुभवशील रहे हैं या कितने अनुभवशील आगे हो पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बात सम्मान की बात है। जब सम्मान शिवपाल जी का, देखिए हमेशा ये बात आई कि हमारा सम्मान, सम्मान को लेकर के अपना सम्मान बचाने के लिए, सैफई परिवार का सम्मान बचाने के लिए उन्होंने 2022 में फिर आकर के अपने भतीजे के आगे जो है सरेंडर हो गए एक हिसाब से। इतनी बड़ी पार्टी उन्होंने खड़ी कर दिया था उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में कि वो ऐसा गठबंधन में शामिल हुए कि खुद को उनको समाजवादी पार्टी के ही सिंबल से चुनाव लड़ना पड़ा मात्र एक सीट से, तो वो भी एक अपमानजनक थी। उस चुनाव के दौरान भी ये बात आ रही थी और लोगों में चर्चा थी, आपस में चर्चाएं गांव-गांव में हो रही थी कि भाई जब इतनी बड़ी पार्टी है, अन्य पार्टियां हैं, गठबंधन हुआ है तो कम से कम 100 सीट तो नहीं, कम से कम 24-25 सीट तो शिवपाल जी ने जो लिस्ट दिया है उसके हिसाब से 10-15 लोगों को टिकट मिलेगा। अब टिकट नहीं मिला तो सपाच तो शिवपाल जी की पार्टी के नेता खुद सब अलग अलग खेमों में चले गए, कोई किसी पार्टी से टिकट ले लिया, किसी ने किसी पार्टी से ले लिया, तो कुल मिला करके समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वो नुकसान हुआ। अगर शिवपाल के लोग समाजवादी पार्टी या उनकी पार्टी बसपा से बिखरे तो बिखराव का वो तो कम पड़ा। तो एक सम्मान शिवपाल जी ने अपना बचाने के लिए अपने परिवार का नेताजी के कहने पर, और आज देखिए क्या हुआ, सत्ता से जैसे ही दूर हुए आज फिर वो स्थिति क्यों आई भाई? अगर तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल जी हैं, क्योंकि सिंबल से लड़े हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था, उन्होंने प्रस्ताव का कहीं कोई निर्वाचन आयोग में कहीं भी प्रस्ताव का नाम नहीं है, कहीं कोई मतलब नहीं है, तो पार्टी के विधायक हैं। अगर पार्टी की विधायक दल की बैठक थी तो शिवपाल जी को बुलाया जाना चाहिए था जी। ये तो एक अपमान है। तो बस उसको इस बार शिवपाल जी ने पकड़ लिया, उनको एहसास हो गया होगा कि अब इससे ज्यादा और अपमान अब नहीं सहा जा सकता है, क्योंकि सत्ता से बाहर हो गए हैं। ये जो खबर चल रही है शिवशरण जी कि दिल्ली में थे तो गृह मंत्री से मुलाकात हुई, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ बातचीत चल रही है राज्यसभा को लेकर के, काफी कुछ चीजें निकल कर सामने आई हैं बीते 1-2 दिन में। इन बातों में क्या कुछ सच्चाई है या सिर्फ अटकलें हैं? सिर्फ अटकलें हैं, इनमें अभी कुछ नहीं है। हाँ। अभी इनमें कुछ नहीं है भाई, राज्यसभा मेंबर का अभी कोई सीट है ही नहीं, वो जुलाई में नंबर आएगा जाकर के, तब तक का देखा जाएगा, तब तक तो बड़ा टाइम है ना, गोमती में बहुत पानी बह जाएगा तब तक। ये राजनीति है, आज क्या है इस राजनीति की स्थिति क्या है, कल क्या होगी, 2 महीने बाद क्या होगी, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन ये है कि समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका है, ठीक है, जिस दर्द से अच्छा आम जनता, आम वोटर जो समाजवादी पार्टी का है, इस बात से खुश था कि चुनाव में कि शिवपाल जी जो है अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, आज वो मायूस हो रहा है कि अरे ये फिर क्या हो गया, फिर हमारा परिवार बिठा रहा है। ठीक है सर, ठीक। वो रामनिवास जी ने बात कही है, वो बात इन्होंने बहुत ये जमीनी बात उन्होंने कहा है कि ये यादव समाज की बात है। देखिए यादव समाज को मुलायम सिंह ने नाम दिया इस उत्तर प्रदेश की धरती पर, और देश में नाम आज मुलायम सिंह इस देश के बड़े नेता है, बड़े नेताओं में उनकी शुमार है जी।
और सभी सम्मान देते हैं उनका, कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो आज इन लोगों को अपने सम्मान अपनी समाजवादी पार्टी का, जिसको इन लोगों ने सींचा बड़ा किया, उसको उसको बचाना है अखिलेश जी को और शिवपाल जी को, अपनी राजनीति को बचाना है। क्योंकि शिवपाल की तो राजनीति ऐसे तो आम विधायक की तरह ट्रीट किए जाएंगे तो कहां तक घुटन महसूस करेंगे, ये भी तो है। ठीक है भाई, जब जो जिसने खुल के बैटिंग किया हो आप उसको जो है आप बैटिंग से बाहर कर देंगे, बिठा देंगे बैटिंग में, क्या होगा? ठीक है सर, वो क्या करेगा वो? ठीक है तो अगर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है वो उठाएगी, ये काम है भाई, सत्ता पक्ष में वो है, वो चाहेंगे विपक्ष कमजोर हो हर तरीके से, हो सदन से लेके सड़क तक कमजोर हो, और इसका असर सड़क पे भी पड़ेगा और सदन में भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सदन में इसका सड़क प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, तो शिवपाल जी जो जमीनी नेता है जिनका जो अनुभव है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, वो अभी ये जो नई टीम आई है उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास सर। हुमायूं चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही एक्टिव जर्नलिस्ट हैं। हुमायूं भाई, आपसे पूछना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी कल की ही बात है जहाँ सरकार ने अभी काम करना शुरू ही किया था, मंत्रियों को विभाग बटे थे और यूपी बोर्ड के परीक्षाओं का पेपर जो वो लीक हो गया था, तो इस पर कहीं ना कहीं विपक्ष को काफ़ी कुछ शुरुआत के दिनों में ही मिल गया था। लेकिन विपक्षी इन मुद्दों पर खड़े तभी उतर सकते हैं जब ये खुद आपस में मजबूत हों। लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, साफ तौर पर ये लग रहा है कि कुछ ऐसा चल रहा है जिससे शिवपाल सिंह यादव काफ़ी कुछ नाराज हैं। आपने अब तक इधर दो दिन में क्या नोटिस किया, क्या निकल कर सामने आया, क्या जो अटकलें हैं उन पर सच उसे माना जाए या सिर्फ अटकलें ही हैं वो? देखिए, पहले तो नितिन जी मैं कहूँगा, ये खैर मेरी खुशकिस्मती कि मैं पहली दफ़े आपके चैनल पर आया और बड़ा अच्छा लगा। आपके आज की डिबेट का मौजू जो है, जो टॉपिक है, वो विपक्ष को ही लेकर के है, मजबूत विपक्ष जी। रही बात शिवपाल जी की और अखिलेश जी की कि आपस की क्या उनकी पारिवारिक मतभेद है, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। मैं भी सुन रहा था, तो लोग एक मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि अभी रिसेंटली एक मुद्दा मिल गया था पेपर लीक होने का, लेकिन आपको विपक्ष कहीं भी नहीं दिखाई दिया, कहीं नहीं नजर आया। वजह सिर्फ यही रही क्योंकि जब घर में ही, घर से मुराद ये, घर से मेरा मतलब ये कि जब विपक्ष में आपस में ही अलग अलग है सब और एक मेंटालिटी नहीं हो पा रही है कि कैसे पक्ष सत्ता पक्ष को घेरा जाए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो होगा। थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलूंगा कि 2016 की बात है, जब ये 17 के विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था शिवपाल जी की तरफ से और उसमें जो सिंगर था जो गा रहा था, तो उसने बहुत फोर्स किया था शिवपाल जी को कि जरा कृपया एक गाना सुना दीजिए। तो मेरे साथ चूंकि मेरे अपने बीजेपी से भी हैं और सपा से भी हैं हमारे भाई लोग, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उनसे जब बहुत फोर्सफुली कहा गया तो उन्होंने एक दो लाइनें सुनाई थी कि कस्मे वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, रिश्ते हैं रिश्तों का क्या, रिश्ते नाते झूठे हैं इनका क्या। तो पता नहीं क्यों मेरे, चूँकि मैं उस कार्यक्रम में था तो मेरे दिमाग में क्लिक किया और फिर मैं आया था, तो मैंने दूसरे दिन स्टोरी लिखी थी, ये एक सॉफ्ट स्टोरी कि क्या सपा में भी गूंज सकते हैं बगावत के सुर। उसके बाद से तस्वीर क्लियर हो गई थी धीरे धीरे। अब हम आ जाते हैं मुद्दे की जो मेन बात है, वो ये है कि जैसा अभी हमारे सीनियर हमारे शिवशरण भाई ने कहा, टेक्निकली देखा जाए तो शिवपाल जी वो सत्ता विपक्ष जो सपा है उसके ही विधायक हैं। अगर सपा के प्रदेश अध्यक्ष पटेल साहब ये बात कह रहे थे उस दिन कि नहीं, जब वो दल बुलाए जाएंगे सहयोगी दल तब उनको बुलाया जाएगा, क्यों भाई? सही बात है, क्यों बुलाया जाएगा उनको जब वो सपा के विधायक हैं, क्यों नहीं बुलाया गया? उस दिन भी कोई ठोस जवाब नहीं था, मेरे ख्याल से आज भी नहीं होगा। अभी मैं कवरेज पे था विधानसभा की, जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उसमें विपक्ष में ही बैठे देखा जाए तो जनसत्ता दल के जनसत्ता के जो दल है उसके राजा भैया
रघुराज प्रताप सिंह जी ने एक बात कही थी, जब अखिलेश जी ने बात कही थी कि आप विधानसभा अध्यक्ष जी से, इनसे महाना जी से, कि आप राइट से आए तो लेफ्ट का भी ध्यान रखिएगा, उन्होंने अपनी बात एक रखी थी, तो इस पे इन्होंने कहा था कि अगर आपको अध्यक्ष जी या कोई कहे, कोई कहे, बात पे शब्दों पे गौर कीजिएगा, कोई कहे, ये किसके लिए शब्द यूज हो रहे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, तो अगर कोई कहे, और ये वही राजा भैया है जो पिछली सरकार में आपने देखा होगा जब 2012 से 17 की सरकार रही थी, तो कहीं ना कहीं बहुत मोहब्बत रही थी सपा से, तो उन्होंने कहा कोई अगर आपको ये राय दे तो ये इसका कोई औचित्य नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हमारे मीसम भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने दल की बात रखते हुए एक बात कही कि ये शीर्ष नेतृत्व जाने कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया, शीर्ष बड़े भाई, शीर्ष नेतृत्व से ही ये बात पूछी जा रही है कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया। खैर, अब शीर्ष नेतृत्व कह रहा कि वो हमारे विधायक ही नहीं, वो कह रहा है मेरे विधायक नहीं है, ये बड़ा अजीब सवाल जवाब है। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक फोटो भी उस दिन ट्वीट की थी और उसमें कहा था कि मैं अपने 111 विधायकों के साथ मौजूद हूँ, जबकि शिवपाल यादव उसमें थे ही नहीं। हाँ, उसमें शिवपाल यादव थे नहीं, और अगर देखा जाए तो कांग्रेस के साथ जब ये लड़े थे 2017 में गठबंधन में, तो 47 सीटों पे सब्र करना पड़ा था। आज की तारीख में इनके पास जो सीटें हैं वो नो डाउट कहीं ना कहीं शिवपाल जी साथ में आए और शिवपाल की देन है। वजह मैं आपको एक अंदर क्या मतलब पब्लिक डोमेन में भी है कि शिवपाल के साथ, शिवपाल यादव जी के साथ एक बड़ा तबका मुस्लिम का जो सूफिज्म है वो बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत दिल से जुड़ा हुआ है, पश्चिम से लेके अवध तक, और इसीलिए उनकी पार्टी के अशरफ किशोचवी जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक कहीं ना कहीं दल जुड़ा है। कहने का मकसद ये है कि जब उनको इन्होंने साथ लिया तो एक जो जमीनी नेता होता है उसका प्रभाव बहुत पड़ता है चुनाव के समय। जब चुनाव का समय था तब आपने साथ लिया और उन्होंने सारी चीज़ें अपनी किनारे करके, अपनी पार्टी को किनारे करके, यहाँ तक कि एक फोटो चली थी जिसमें शिवपाल पीछे बैठे हुए थे उनके रथ में और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव आगे बैठे हुए थे, फिर भी उन्होंने वो चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। अब एक बात मैं पूछना चाहूँगा डीपी यादव जी से, खैर उन्होंने बड़ा बहुत ही मतलब पॉलिटिकली जवाब दिया अपने अध्यक्ष को थोड़ा सेफ साइड करते हुए, लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहूँगा, ये जो इन्होंने कहा, चूँकि विधानसभा नहीं पहुँच पाए थे और ये औपचारिक मुलाकात थी तो वो करने गए, पिछले जब 5 साल सरकार रही तो कितनी दफ़े औपचारिक मुलाकातें हुई, क्या ये यादव जी बता सकते हैं? भाई औपचारिक मुलाकात ठीक है, मैं मान गया आपकी, लेकिन जब कोई बड़ा नेता, वो भी शिवपाल यादव जैसा, मुख्यमंत्री से मिलता है तो उसके कयास जो हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली लगाए जाते हैं। ठीक है, रही बात हमारे रामनिवास जी की, जो अभी कही इन्होंने कि यादव समाज और उसके लिए जो मोहब्बत इन्होंने दिखाई, तो जाहिर सी बात है भाजपा को जो जो समझता होगा, मैं समझता हूँ शायद मेरे जितने भी जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ के, वो भी जो भी समझते हो, भाजपा का तो ये है ही कि जैसा वो उनका कहना है कि सबका साथ, तो हो सकता है कि उनको मोहब्बत जो दिख रही हो तो यही दिख रही हो कि शिवपाल अगर आज इस मकाम पे पहुंचे हैं तो अगर ये कल इनको अपने साथ लेते हैं या वो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष कहाँ पे खड़ा दिखाई देगा। और इस चीज को, इस लड़ाई को, अंदरूनी लड़ाई को मैं कहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष को, अपने विपक्ष को कहीं ना कहीं मजबूत कर लेना चाहिए, और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको जो सत्ता पक्ष नहीं कर पा रहा, जो सरकार नहीं कर पा रही है, उसको जमीन पे उतर के ठीक उसी तरह करना चाहिए जो 2007 से और 2012 की सरकार में समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। ठीक है, ठीक है, मिसम जैदी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए नितिन जी, मैं बहुत खामोशी से सुन रहा था, सबको सुना, क्योंकि आज आपने पैनल में बड़े बुद्धिजीवी लोगों को बुला के बिठाया है और हमसे भी बड़े सीनियर लोग हैं, लिहाजा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बात कहाँ से शुरू करूँ, मगर चूंकि बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की और हमारे दल की है तो मैं अपनी बात को कहूँगा ज़रूर, चाहे इसके लिए रामनिवास जी जो हैं वो कुछ भी समझें। भारतीय जनता पार्टी को ये पीड़ा नहीं है कि शिवपाल जी को सम्मान मिला है कि नहीं मिला है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई मतलब है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए, इससे मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी की ये फांस बन गई है
के समाजवादी पार्टी 111 विधायकों के साथ हमारा किसी भी तरह का काले कानून को पास करने के लिए एक दीवार बन गई है, एक रोड़ा बनी हुई है। बात समझ रहे हैं आप मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इनको ये नहीं है, अब ये इनका काम क्या है कि अगर देखिए ऐसा है कि ठीक है वो चाचा भतीजे हैं, ये एक शिष्टाचारिक मुद्दा है, ये घर की बात है, और रिश्तों से बड़ा दल है, और दल से बड़ा देश है, और देश से बड़ा हम कुछ नहीं समझते हैं। लोकतंत्र तो देश से बढ़ करके हम कुछ नहीं समझते हैं। हम बात यहाँ पे करने के आए हैं मुद्दों की, हमने बुलाया नहीं बुलाया, हमारी पार्टी से नई पार्टी से हैं, वो एक बात की बात है, इससे इनको क्यों पीड़ा हो रही है? अब मैं खुल के बात कह रहा हूँ, चलिए मैंने नहीं बुलाया, मैंने आपको, मैंने अपने चाचा को, मैंने किसी को अपनी पार्टी में नहीं बुलाया। ये जो सम्मान देने की बात कर रहे हैं कि बड़ा सम्मान दिया जाता है इनके, क्या तो जो बुजुर्ग होते हैं उनको तो मार्गदर्शन में ले जाया जाता है? अरे बहुत, इतना ही इनके हृदय के अंदर प्यार उमड़ रहा है तो आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बना दे, उनको बिठा देना बना करके, क्यों उनको पीछे की सीट देते हैं, उनको खड़ा रखते हैं, उनसे हाथ नहीं मिलाते, उनसे बात नहीं करते, उनको मार्गदर्शन में लगाते हैं? आप बताइए, अगर इतना ही पीड़ा आपको हमारे उनकी लग रही है तो आप पार्टी में भी लेने को तैयार हैं? यादवों की भी आपको बहुत चिंता हो रही है तो यादव समाज बैठ छोड़ करके आप बैठे हैं, यादवों को तो MY समीकरण का नाम आपकी पार्टी ने दिया है, और यादव तो आप हैं। बीजेपी में जाने के बाद अब आप यादव नहीं हैं, बीजेपी में जाने के बाद आपसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है, बीजेपी में जाने के बाद आपसे बड़ा कोई दूध से धुला नहीं है, तो वो एक बात अलग की है। साफ बात करिए, पेपर लीक हो गया, एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, सरकार बनने के बाद गाजियाबाद के अंदर खुलेआम गोली चला करके लूट हो गई, उस पर बात करिए, और महिलाओं पर बात करिए, जिस पिक्चर को आप टैक्स फ्री कर रहे हैं एक समय में वो पिक्चर दिखाने पर लोगों पर मुकदमे लग जाते। ये जो आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इस पर बात आप नहीं कर रहे हैं, चाचा भतीजे की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं। अगर शिवपाल जी नहीं आए तो ना आने से आप बताओ कौन सा पेट्रोल सस्ता हो जाता, कौन सी रसोई गैस सस्ती हो जाती? आप जवाब दो। 1000 का आपने सिलेंडर कर दिया, 101 रुपए का आपने पेट्रोल कर दिया, वो आपको नहीं दिख रहा है। मुट्ठी भर चना आपने बांट दिया, मुट्ठी भर आपने जो है गेहूं बांट दिया, आपको लग रहा है आपने तीर मार दिया। अरे आप जनता को रोजगार देने के बजाय आप पेपर क्यों लिख कर आ रहे हैं? आप खुल के कहना नहीं जा पा रहे हैं। आप चाह रहे हैं देश से शिक्षा खत्म हो जाए, सब अनपढ़ हो जाए, विपक्ष खत्म हो जाए। 111 की फांस है ये, ये शिवपाल जी को बुलाने का मुद्दा नहीं, परस्पा के यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रवक्ता, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखे बैठा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। शिवपाल जी कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, आप कहलाना चाह रहे हैं, आप उनके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं है देश के अंदर के विपक्ष रहे, आप तो चाहते हैं कि सारा विपक्ष मर जाए, विधवा विलाप करे यहाँ की जनता और हम बैठे रहे। हमारे ऊपर जो है जो बाबर पर इल्जाम लगता था ना, वो राजनीति आप कर रहे हैं। ये रामनिवास जी एक चीज और कह रहे थे विशम भाई, ये कह रहे थे कि कुछ सलाहकार हैं, कुछ ऐसे जिनकी संपत्तियों की जांच कर ली जाए, कुछ कोई सलाहकार नहीं है। नितिन जी इतने सलाहकार हैं, अभी बीजेपी के अंदर आ जाओ उनसे पास साफ कोई नहीं होगा। ये हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं, इनके माननीय गृह मंत्री के बेटे की जांच करा दिया जाए ना, जो उनकी अभी पता लग जाएगा आपको कि हजारों करोड़ रुपया कहां से उनके पास आ गया। इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग हैं जो बता दें, इनकी जो आय दुगनी से तीन को चार गुना हो गई, इनसे RTI की रिपोर्ट मांगी है भारतीय जनता पार्टी ने, इतने हजारों करोड़ रुपए का अपना ऑफिस बना डाला, इनके प्रधानमंत्री ने हवाई जहाज खरीद डाला। देखिए आज की डेट में आपको मैं बताऊं, ये चाहते हैं विपक्ष गूंगा हो जाए, जितना मीडिया जिसको आप चौथा स्तंभ कहते हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी का एक पिलर बन जाए, ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया, बल्कि ये तो वहां भी नारे लगाते थे जाकर के जब अमेरिका जाते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार। अब आप बताओ यहां की राजनीति से ट्रंप से क्या मतलब भाई, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, यहां की राजनीति से और यूक्रेन से और रशिया से क्या मतलब? हम अपने घर की बात नहीं कर पाते, वहां जाकर के बात आप कर रहे हैं, और क्या हुआ? कुछ नहीं, उसका नतीजा शून्य हुआ, हार गए। अब की बार उन्होंने आपको पूछा भी नहीं। ठीक, जवाब ले लेते हैं रामनिवास यादव जी, बातें मुंह ना खुलवाया जाए तो अच्छा है। नितिन जी, नितिन जी, विकास की बात की जाए, काम की बात की जाए। मिशन जयदी जी भी बड़े तल्ख शब्दों में बोल रहे थे, क्योंकि वो आप नहीं समझ सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी यादव समाज का हूँ, और वो समाज है जिसमें स्वयं भगवान ने जन्म लिया। अगर उस समाज में कुछ लोग राष्ट्र विरोधी या अलगाववादी विचारधारा के लोग हैं, भाई उस समय भी थे, महाभारत काल में भाई कंस भी था और कृष्ण भी थे, उसी तरह आज भी है। आज भी यादव समाज वो समाज है जिसमें स्वयं भगवान ने जन्म लिया, उस समाज से पैदा होने का मुझे गर्व है। और अगर मेरे समाज के किसी नेता का
अपने ही परिवार में इस तरह अपमान होता है तो निश्चित रूप से मुझे तकलीफ होती है, इसीलिए मैंने बात रखी। मैंने आपसे कहा ना कि जब शिवपाल यादव जी पिछली बार नहीं थे तो पूरे उत्तर प्रदेश में 30 से 40% यादव समाजवादी पार्टी में गया था, बाकी सब समाजवादी भारतीय जनता पार्टी या प्रसपा में गया था। इस बार अगर शिवपाल जी आ गए तो वही यादव समाज 70 से 80% बढ़ गया, हमारी संख्या 15 से 20% रही। तो कहीं न कहीं इसलिए हम लोगों को पीड़ा होती है कि ये ऐसा समाज है जो राष्ट्रभक्त समाज है और ये आज़ादी के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में देश की राजनीति में प्रभावशाली रहा है। और आज उसी भाई नेताजी को तकलीफ होती होगी क्योंकि उन्होंने जिस पार्टी को इतने मेहनत से इतनी तकलीफ से खड़ा किया, शिवपाल जी को तकलीफ होती होगी जिस पार्टी को इतने लंबे समय से संघर्ष के खड़ा किया, उस समय कोई पार्टी खड़ा नहीं कर पाता था कांग्रेस के सामने। योगी जी से आज ले लीजिए, आज अगर दुख हो रहा है योगी जी से इस्तीफा ले लीजिए। नहीं इसमें समझिए, पहले बात पूरी सुनिए, क्यों आप तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आपको समाज से मतलब नहीं है, मैं उस समाज से मुझे तकलीफ हो रही है कि आज अगर शिवपाल जी को अपमानित किया जा रहा है उनके चाचा द्वारा, तो ये हमको महाभारत काल का वो समय याद आ रहा है जब दुर्योधन की जिद के आगे धृतराष्ट्र ने आंखें बंद करके अपने पूरे परिवार का सत्यानाश करा दिया था। तो वही अगर आज शिवपाल जी चाह रहे हैं कि जो है समाज को आगे ले जाया जाए और जो सीनियर लोग हैं, जो समाज के अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों को जोड़ के अगर अलग अपना संगठन बनाए हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने इस परिवार को बचाने के लिए, यादव समाज के मान सम्मान के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा के अखिलेश जी का समर्थन किया था। लेकिन अखिलेश जी ने क्या किया, उस व्यक्ति को एक सीट दिया। और आपने देखा होगा जो तस्वीर दिखी थी, शिवपाल जी की आंखों में आंसू थे कि हत्थे पर बैठे थे, बेटा टांगे फैलाए बैठा हुआ सीट पे, पिताजी उधर बैठे, भाई बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनकी बात समझ में आती है, लेकिन बेटा जिसको शिवपाल जी ने गोदी में खिलाया हुआ और उनको हत्थे बैठाल दिया, अगर उस समय अगर आप मेरे मीडिया बंधु कर पूछ लेते शिवपाल जी से तो उनकी आंखों में आंसू थे। फिर भी उन्होंने जो है हम इस बात का समर्थन करते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको उस समाज से मतलब नहीं है। आपको अगर कोई बाप की पीड़ा देखी है कि जिस प्रकार राजनाथ सिंह जी के बेटे का नाम काट दिया गया था, नहीं समझे दीजिए, अगर आप शायद समाज से कहीं संपर्क रखते होते, समाज के हित के बारे में सोचते होते, आपको तो खाली अल्लाह मियां देखना चाहिए। अल्लाह मियां जहां बचे उसकी बात करनी है। मैंने कहा मेरा गर्व है कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ उसमें से भगवान ने जन्म लिया है। आप बताइए, आपने कभी अल्लाह को देखा ना खुदा को देखा? और उनके लिए आप जान लेते हैं, जान देने काम करते हैं। मैं तो उस समाज से मैं हूँ जहाँ पर स्वयं भगवान ने जन्म लिया है, इसलिए मिशन जी आप ऐसी बात मत करिए क्योंकि आपका समाज भी आज अलगावादी विचारधारा की तरफ बढ़ रहा है। अपने समाज को समझाने की बात करिए, यादव समाज के बारे में बोलने की बात आप मत करिए। और जो तकलीफ शिवपाल जी को हुई है उसको भी तकलीफ है, उत्तर प्रदेश के यादव समाज के लोगों को तकलीफ है। इसीलिए शिवपाल जी आज अगर अपनी अलग करते हैं चले चबा दिए जाएंगे यादव समाज के लिए हल्के में ना लीजिएगा। और ठीक है, प्लीज ठीक है, शिवपाल जी के लिए भी ठीक है प्लीज। पीड़ा को भी देखते हुए नेताजी के चेहरे को देखते हुए उन्होंने जो है अखिलेश जी के सामने दहाड़ दिया पहले दिन विधानसभा समझ नहीं आया। ठीक है प्लीज ठीक है, हो गया आप लोगों का, हो गया आप लोगों का, ठीक है प्लीज, हो गया आप लोगों का, हो गया जी, ठीक है राम निवास जी प्लीज, ठीक है। मेरी बात सुनिए, अलगाव हमायू जी ने बात कही, मैं उनकी बात पर बात करना चाहता हूँ। इसलिए अभी उन्होंने बात भी रखी कि अखिलेश यादव जी ने खड़े होकर के कहा कि मेरे लेफ्ट देखिएगा, तो राजा भैया ने जो बात बताई तो वो सुन लीजिए क्यों कहा। मैं बताता हूँ आगे की बात, उन्होंने कहा लेफ्ट पर ध्यान रखिएगा, हम इग्नोर करने वाली चीज नहीं है, हमारा नाम अखिलेश यादव है और हम यदुवंशी। और श्री कृष्ण क्या मालूम, आप जो श्री कृष्ण खुदा करते हो, कभी खुदा को देखा नहीं, यही तो आप अल्लाह की बात करते, कभी अल्लाह को देखा नहीं, यही चाहते, यही मंत्र। मैंने कहा ना कि मैं समाज से हूँ जिस समाज में भगवान ने जन्म लिया है, हम आपके ब्राह्मण हैं, समाज में क्यों भगवान पैदा हुए, हिंदुस्तान के अंदर बुद्ध के नाम पे पूरे देश में कत्लेआम करते हैं, आप क्या बात, आपको क्या मालूम है, खेलते हम दिवाली, यादव समाज से मैं हूँ इसमें भगवान ने जन्म लिया है, आपको इसमें कौन से भगवान ने जन्म लिया, खुदा जी को देखा ठीक है प्लीज।
प्लीज प्लीज ठीक है ठीक है, हो गया हो गया, ठीक है। इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहा था मैं हिंदू मुस्लिम पे चर्चा नहीं कर रहा था, भारत सभी का देश है, मैं इस पे चर्चा नहीं कर रहा था, फिलहाल मैं आगे बढ़ूंगा। डीपी यादव जी, रामनिवास यादव जी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो घटना हो रही है इससे यादव समाज का छलावा इसे कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, आप इसको कितना सही मानते हैं, क्या ऐसा सच में है? देखिए नितिन जी, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा इस ताक में रहते हैं, इस अवसर की तलाश में रहते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को या देश को जातियों के विभिन्न जातियों में बांटा जाए, धर्मों में बांटा जाए उनको, और कहीं ना कहीं उनको आपस में लड़ा करके जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करनी, उसको प्राप्त किया जाए। अब देखिए यहाँ पर ये यादवों के ठेकेदार बन रहे हैं कि यादव 40% उधर गया, 10% उधर गया, तो इकट्ठा आ गया तो ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान में रहने वाला, भारत वर्ष में रहने वाला सब राष्ट्रभक्त है। अगर आपको कहीं से जानकारी होती है कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट है तो आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कराइए, जांच कराइए लोगों के ऊपर कि केवल आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं, केवल चिन्हित करते हैं कि फलाने समाज ने देश के साथ राजदूत द्रोह किया है, फलाने समाज ने एंटी सोशल एलिमेंट है ये, और कहीं ना आप उनकी बात कराइए ना, उनको देखिए मॉनिटरिंग की। अब मैं देखिए इस बात के मैं आपको कमाल से बात कर रहा हूँ नितिन जी, जो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी कैबिनेट बनाया है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्या को जो महत्वपूर्ण विभाग दिल्ली सरकार में उनको मिला हुआ था लोक निर्माण विभाग, कहीं ना कहीं दूसरे स्तर का विभाग आता है, उनको ग्राम विकास विभाग दे दिया। अब देखिए मछुआरे समाज से आते हैं निशा समाज से आते हैं संजय निशा, तो उनको मत्स्य विभाग दे दिया। अनिल राजभर देखिए पिछड़े समाज से कमेरे समाज से आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जाकर के श्रम विभाग दे दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि जात के आधार पर विभाग बांटा गया है? बिल्कुल बिल्कुल, जाति के आधार पर विभाग बांटा गया। और भारतीय जनता पार्टी जातीय व्यवस्था कायम करना चाहती है कि फिर से जातीय व्यवस्था कायम हो, जो लोग जिस प्रकार से रहते थे सदियों पहले उसी हिसाब से इस देश में रहे, भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य है। ठीक है ठीक है ठीक है, शिवशरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवशरण जी, अब जैसा कि रामनिवास जी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो घटना हो रही है उत्तर प्रदेश में विपक्ष के अंदर, इससे यादव समाज जिसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था उस वक्त जब शिवपाल सिंह यादव सपा में आए थे, वो अपने आप को काफी कुछ ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसके साथ छलावा हो रहा है, इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से अब कही जा रही हैं। और डीपी यादव जो प्रसपा से हैं वो ये बात कह रहे हैं कि इस बार जो विभागों की सूची आई है या जो विभाग बांटे गए हैं मंत्रियों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वो भी जातिगत आधार पर बांटे गए हैं। तो इन दोनों बातों में कितना मिलाप है, कितना इसे सही माना जाए? शिवशरण जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए शिवशरण जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हिमाय भाई, यही सवाल मेरा आपसे है, आप इस दोनों ही जवाब को किस नजर से देख रहे हैं और क्या इसमें कोई भी सच्चाई, कोई भी सच इसे माना जा सकता है किसी भी एंगल से? देखिए ऐसा है, पहले जो आपने मुझे समय दिया मैं उसमें अपनी बात जो करनी चाहिए थी थोड़ी सी कर ली जी। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं मुद्दे की बात सिर्फ एक करूँगा, राजनीतिक दल का जाहिर सी बात है उनका काम है जो भी है अपने जिस तरह से बयानबाजी रहेगी उनकी। भाजपा को मेरे ख्याल से शिवपाल जी के आंसू नहीं देखने चाहिए। आप कब तक शिवपाल के आंसू देखेंगे और कब तक ही समाजवादी पार्टी के और भी जो चीज़ें हैं अंदरूनी देखेंगे? मुद्दे की बात यह है कि सरकार को इस वक्त जनता से जुड़े मुद्दों से पे मेन अपना फोकस करना चाहिए। अभी अभी आपकी कोरोना काल निपट चुका है, जनता जो है इस वक्त कई तरह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रही है, कई मुद्दों से जूझ रही है। चुनाव से पहले 95 रुपये लीटर तेल था, आज वो तेल जो है फिर वापस 101 पहुंच गया, जिस स्पीड से उसकी वृद्धि हो रही है लग रहा है आने वाले समय में घर से निकलने से पहले 10 मरतबा सोचना पड़ेगा कि हमको वहाँ जाना है तो ज़रूरी है या नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि बात मैंने कहा जो मुद्दा विपक्ष की मजबूत विपक्ष का है, सत्ता का काम सत्ता पक्ष का काम है कि जनता से जुड़े मुद्दे देखें, और विपक्ष का काम है जहां पे सत्ता से छूट रही हैं चीजें वहां पे जनता की आवाज बनके सदन में अपनी आवाज बुलंद करे।
जो भी जनता की दिक्कतें हैं उसको। और रही बात इसकी कि अब चुनाव हो चुका है, थोड़ा सा रुक जाइए, दो चार छह महीने साल भर इंतजार कर लीजिए, फिर हम देख लेंगे कि मुसलमान कितने परसेंट कहाँ था, यादव कहाँ था और क्यों कौन कहाँ था। एक दूसरे, अगर ऐसे ही होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों छोड़ के भाजपा जाते, तो ओम प्रकाश राजभर क्यों छोड़ के जाते भाजपा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी में, इसलिए तो बीजेपी कहती है कि उनकी अपनी अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। नितिन जी, यही मैं कह रहा हूं कि ये बात तो सब चुनावी मुद्दे थे, सब हो गए, अब सरकार बन गई, विपक्ष भी मजबूत है इस टाइम, अब थोड़ा सा जनता के बारे में दोनों लोग सोच लें, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी। क्योंकि फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी ये होता है कि सत्ता से कोई, सरकार से कोई चीजें छूटनी है तो विपक्ष को उसको उठानी चाहिए। जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, उसने चुन के आपको भेजा है, आपको दिया है अपना पूरा तन मन से जो भी किया है, और सरकार बनाने का मौका दिया, आप सरकार बन गए। विपक्ष ने कहा है कि आप ठीक है अभी नहीं आयो, कल आओ, परसों आओ, जब भी आओ, अभी तो जनता की आवाज बनो, अभी जनता की लेकिन आवाज बनो जो सरकार मुद्दे छोड़ रही है। मुद्दे की बात यह, सभी राजनीतिक दलों से मेरी एक ये प्रार्थना है कि थोड़े से समय के लिए थोड़ा सा जनता के बारे में भी सोच लें तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना तो ये किसी के आंसू देखे जा रहे हैं तो किसी कौन कौन देख रहा है कौन का, ठीक है वो सही बात है, वो भी एक चीज देखनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा इसको रोक देना चाहिए जनता हित में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में नतीजे आने के बाद अब विपक्ष में जो कुछ चल रहा है उसके बीच में जो राजनीतिक अपेक्षाएं हैं वो काफ़ी कुछ बढ़ गई हैं। बीजेपी को अब शिवपाल सिंह यादव के आंसू भी दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, और शिवपाल सिंह यादव अपने परिवार और अखिलेश यादव से नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जो अटकलें लगाई जा रही हैं, इन अटकलों पर विराम लगेगा या ये सिर्फ अटकलें ही रह जाएंगी, ये कुछ समय बाद पता चलेगा, क्योंकि तीन दिन का समय, शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि तीन दिन बाद कुछ बड़ा फैसला मैं ले सकता हूँ, फैसला क्या होगा ये देखना अहम है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष को अगर इतना मजबूत उत्तर प्रदेश में किया है तो विपक्ष की अहम जिम्मेदारी है कि वो सरकार के खिलाफ जनता की नीतियों पर सवाल खड़े करे और सरकार से पूछे कि आखिर ये जो प्रमुख मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें स्वास्थ्य है, जिसमें शिक्षा है, जिसमें बिजली है, जिसमें किसान है, जिसमें रोजगार है, जिसमें बेरोजगारी है, इन मुद्दों को लेकर के सवाल सरकार से पूछे जाए। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दीन अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।